आपका पहला सवाल है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है? आपका ऑप्शन है ए नीम, बी पीपल, सी इमली, डी जामुन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीम। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने, ये शुरू में जो साउंड आप लोगों झिके वाला, ये मेरा साउंड तो नहीं है और ये एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट के थ्रू मैंने इसे जनरेट किया है। बहुत ही सिंपल है, आप वहां पर कोई चीज हिंदी में लिख करके वहां पेस्ट कर दो, वो साउंड बन के ऑटोमेटिक से आपको आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अभी मैं दोस्तों आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन में कैसे वहां से साउंड क्रिएट करना है। उसके बाद आपने इस जीके वाले वीडियो में सुने होंगे बैकग्राउंड म्यूजिक, वो म्यूजिक कहां से और कौन सा डाउनलोड करना है उसके विषय में दोस्तों मैं बता दूं, वो आपको YouTube पे ही मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको YouTube पे ही मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड किया जाता है इसका लिंक एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और इस म्यूजिक का जो मेरे इस वीडियो में सुने थे, उस म्यूजिक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो उस म्यूजिक के लिंक पे क्लिक करके भी जाकर डायरेक्ट उसी को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर वो पसंद आया हो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। या तरह तरह के म्यूजिक हम कहाँ से लाएंगे, उस वीडियो के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कई सारे जगह से हम ला सकते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद आपको और भी आइडिया लग जाएगा और म्यूजिक को कैसे कॉपीराइट फ्री वाला फाइंड करते हैं वो करते हैं वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जब जीके का वीडियो हमारा बन जाता है कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद हम उसे जो गैलरी में एक्सपोर्ट करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी और बाइट रेट जो होता है काइनमास्टर में वो हम कितना पे रखेंगे, किसको, सब कुछ आपको अभी डिटेल्स में समझ में आने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, सब कुछ सीख जाएंगे। और एक साथ में 10 क्वेश्चन का वॉइस को आप जनरेट करके करने वाला वीडियोस भी बना पाएंगे एक बार में। जैसे कि यहाँ पर बार बार एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन इस प्रकार से एक्सप्लोर करिएगा तो समय झमेला लगेगा। एक ही बार में आप 10 क्वेश्चन को वहाँ से एक्सपोर्ट करके और एक ही बार में साउंड को ले सकते हैं और उसका आराम से कट पेस्ट कर पेस्ट करके काइनमास्टर में वीडियो 10 मिनट का बना सकते हैं। 8 मिनट 10 मिनट का, जितना मिनट का हो आप एक ही बार में बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप सब जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आज का विनर देख लेते हैं। इस भाई का लिंक, चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर के भाई को सपोर्ट कीजिएगा। इसके वीडियो को भी जो है कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप भी विनर होना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम तो आपको करना क्या कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है और कोई भी प्यारा से कमेंट कर देना है। नेक्स्ट टाइम अगर आप भी विनर आते हैं तो आपके चैनल को भी इसी प्रकार तीनों जगह पर प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम जीके के वीडियोस को बनाएंगे कैसे और कैसे क्या कुछ करना है, सब प्रोसेस मैं सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को इस प्रकार से, किस प्रकार से मैं यहां दिखा देता हूं। जैसे कि मैं नोट एप्लीकेशन में यहां पर मैंने 4-5 क्वेश्चन को यहां पर लिख करके रखा है। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, तो या तो मैं पहले साउंड जनरेट करना सिखाता हूं, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से मैंने यहाँ कॉपी भी कर लिया, इसको सबको लिख करके यहाँ पर। जैसे आपका सवाल है किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है, आपका ऑप्शन है, इस प्रकार से मैंने डिटेल्स में यहाँ लिख करके इसे कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब गूगल में आ जाता हूँ। पहले आप पूरा प्रोसेस समझिए, कोई डाउट्स मैं रहने नहीं दूंगा इस वीडियो में, अगर रह जाता तो उसका भी सॉल्यूशन आपको लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिपचैम वीडियो एडिटर, ये एक फर्स्ट में वेबसाइट आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि वो वेबसाइट को लॉगिन होगा। तो मैं पहले उस वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है और इसे साइन अप फॉर गूगल, साइन अप विथ गूगल सेकंड वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको दोस्तों ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है जिससे आप लॉगिन कर चुके हैं, वो वाला से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है आपको ये थोड़ा सा समय लेगा और इस प्रकार से ये लोडिंग होने में थोड़ा समय लगता है और ये लोडिंग ले लेता है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये ब्लैक कलर का जो इतना बड़ा पर्दा दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जस्ट इस पर टैप करेंगे हम और यहाँ से अब दोस्तों हम कंप्यूटर के साउंड को जनरेट करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर आपका ब्लैंक पूरा खुलेगा। मैंने अभी ऑलरेडी एक यहाँ पर कई सारा था, इसे डिलीट भी कर दिया, तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर एक साउंड को अभी जनरेट किया हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ये साइड ब्लैंक खुलेगा, लेकिन ये साइड में देखिए यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड एंड क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलेगा इस जगह पर, तो रिकॉर्ड एंड क्रिएट पे क्लिक करिएगा तो 4 पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पर सबसे नीचे में लिखा है टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर क्लिक करना है तो ये इस प्रकार का पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस जगह पर दोस्तों
इस जगह पर यहाँ पर लिखना होता है, तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि समय लगेगा, हम ऑलरेडी लिख के रखेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। हमें चार क्वेश्चन को हमने लिख करके डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये साउंड का फास्ट स्लो आपके हिसाब से यहाँ पर इसको कर सकते हैं, फास्ट रखना चाहते हैं कि स्लो, तो मैं इतना पे तो हमेशा रखता हूँ जीके के लिए। और यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आप जब भी सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है जीरो प्रोसेसिंग है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होकर के यहाँ पर इसी प्रकार से दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हो गया मेरा। अब इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर प्लस, आपका पहला सवाल इसी पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वो साउंड आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दोस्तों यहाँ पर साउंड आ चुका है। एक साउंड पहले वाला है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके तो एक साउंड यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करके दोस्तों इस जगह पर डिलीट का ऑप्शन है, एक साउंड को हम डिलीट करेंगे, हमारा दोनों साउंड कट गया। अब यहां से हम एक साउंड को लेंगे। आपका पहला सवाल है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक साउंड यहां पर आपका आ गया, दो साउंड एक बार में एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। एक साउंड आ गया, अब यहां पर स्क्रॉल करके इसे ऊपर में देखिए एक्सपोर्ट का यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और 400p पे क्लिक कर देना है। इसे 400p के रूप में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये गैलरी में जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 100 हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आपका गैलरी में चल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे गैलरी में डाउनलोड कर चुका है तो अब मैं कट कर देता हूँ इसे। मैंने कट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे गैलरी में है वो चीज़, मैंने पहले वहाँ से एक्सपोर्ट किया, आपको दिखाया भी था। अब आपको काइनमास्टर को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस जगह पर देखिए यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है 16:9 रेशियो में यूट्यूब वाला रेशियो। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्सल लैब को खोजना है। पिक्सल लैब क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पेज लेना है और जीके वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि ये पेज देखिए दोस्तों बैकग्राउंड के साथ मैंने बनाया है, बहुत ही मस्त है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर बनाना सीखना है तो, क्योंकि ये रेड कलर का बॉर्डर फिर ग्रीन कलर का फिर मिक्सिंग करके तो अच्छा लगता है। अब इसको लेकर के अब इस प्रकार से खींच करके आपको 10 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, कम से कम तो जीके वीडियो बनाते हैं तो 5 मिनट से ऊपर का ही बनाइएगा, तो जितना बनाना है उतना खींच करके लंबा कर लीजिएगा। मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखाने के लिए सिर्फ 1 मिनट से ऊपर का दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को एड करना है, टेप करना है, तो वही क्वेश्चन को यहाँ पर हमने जस्ट मान लीजिए आपको वो सारा कॉपी किया हुआ रहेगा, जैसे मेरे पास चार मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर इसे बैक करेंगे इस प्रकार से दोस्तों, ये केवल यहाँ क्वेश्चन को छोड़ेंगे और एक नंबर दे देंगे, ठीक है। और इसे भी हम यहाँ से मिटा देंगे। देखिए बस आपको करना क्या नहीं, सब कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब क्या करना है, इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे सबको यहाँ से सेलेक्ट किए, अब कट पे क्लिक कर देना है। क्यों, क्योंकि कॉपी भी हो गया और कट भी हो गया। कॉपी पे करेंगे फिर एक बार फिर मिटाना होगा, इसलिए डायरेक्ट कट पे क्लिक कीजिए, कॉपी भी हो जाता है और कट भी जाता है। अब यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम कलर को चूज़ कर लेंगे रेड कलर का, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहां से थोड़ा आपको फास्ट करके दिखा देता हूं, और या तो ये मैंने दिखा दिया। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या आता है कि ये इस प्रकार से साउंड भी आप लोगों ने देख लिया, हर कुछ देख लिया। यहां पर एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल है, सिंपल भी है। ये इस वीडियो में भी दिखा देता हूं, पहले आप यहां ध्यान से देखते रहिए कि हमने यहां पर इसमें इन एनिमेशन यहां पर हम देंगे ये वाला, मैं ज्यादातर देता हूं। उसके बाद यहां पर साउंड को कैसे लाएंगे, ये इस पर मीडिया पे क्लिक करके ये डाउनलोड वाला फाइल में आपको मिलता है वही साउंड, वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। अब इससे हमें ऑडियो को निकालना है तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऑडियो कट के निकल गया। अब ये लेयर का हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक करके इसका दरकार नहीं है, सेलेक्ट करके डिलीट के क्लिक करके कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर आपका पहला सवाल है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है, आपका ऑप्शन है, जैसे बोला है आपका ऑप्शन है, यहाँ पर हमें स्टॉप कर देंगे और इस जगह पर हमें ऑप्शन को देना है, ऑप्शन का यूज करना है। तो टेक्स्ट पे क्लिक करके हम यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर फर्स्ट से फिर उसे पेस्ट कर देंगे। देखिए वहीं तक पेस्ट हुआ होगा, देखिए यहाँ से हमने उसे कट कर लिया था। अब इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ से इस प्रकार से हम इसे भी यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस जगह से, उसी प्रकार से हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसे फिर कट पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा और कट भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है ये वाला इसको मिटा करके हमें आप फुल स्टॉप भी देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे इसे कट करके यहाँ से फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, खैर ये फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फास्ट ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये सारा कुछ ऑलरेडी ऐसे भी मैंने एक वीडियो में बना ही रखा है, उसमें इमेज वगैरह आप कैसे क्या यूज़ करेंगे
ठीक है, मान लीजिए ये सब कुछ है, हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करके भाई इसमें और इसको भी खींच करके लंबा कर लेते हैं इस प्रकार से, मतलब करके उसके बाद इन एनिमेशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ ज़्यादातर वाइप डाउन वाला। तो देखिए और इसे 7/6/7 पे कर देता हूँ, मतलब सब कुछ दोस्तों ऐसे भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको 8-10 क्वेश्चन का कैसे आप बना करके सेम प्रोसेस उसमें हर कुछ डिटेल्स में सिखाया हूँ समझाया हूँ बना दिया है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मुझे ये भी बताना है कि आपको जो ये गैलरी में एक्सपोर्ट कीजिएगा तो कितने में करना है, बाइट रेट क्या रखना है, कुछ करना है सब कुछ। तो वीडियो का एडिटिंग इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन का मैं नहीं दिखा सकता हूँ, हालांकि इतना दिखा दिया। अब एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाकर के पूरा फुल जीके के विषय में इसी एप्लीकेशन से सब कुछ सिखाया दोस्तों, उसमें कोई कमी नहीं है उस वीडियो में। तो 10 क्वेश्चन को आप वहां से कैसे एक्सपोर्ट करके उसको कैसे एडिटिंग करके सीख सकते हैं सब कुछ सिखा दिया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सपोर्ट करना सिखाता हूं कि गैलरी में आपको बाइट रेट वगैरह क्या रखना है। तो मैं यहां पर इसको कट लगा देता हूं, मान लीजिए हमारा वीडियो बन जाएगा जब, ठीक है, मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा आपका जब, इसको यहाँ पे ऊपर में एरो है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपको ये 1000 पे ही रखना है 80p पे और ये 30 रखना है, ठीक है, 1080 और यहाँ पर इसे 30 पे रखना है। और ये वाला दोस्तों ये जो होता है ये नीचे वाला लाइन, अगर ये वाला आपको कम से कम 10 से ऊपर ही रखिएगा, बहुत ही कम, ये आपका वीडियो का क्वालिटी को दर्शाता है। जिसके पास नेट का कम, देखिए इसको जितना कम बेसी करेंगे नेट यहाँ पर उतना, ये MB यहाँ पर अबाउट, इस जगह पे अबाउट आपको दिख रहा है 54 MB, इसे फुल कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे फुल कर दीजिएगा तो ये इसका वीडियो का जो क्वालिटी और थोड़ा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कम बेसी कर सकते हैं, तो कम से कम 10-15 से ऊपर, 10 से तो ऊपर ही रखिए, कम से कम 10 रखिएगा, उससे नीचे नहीं, क्वालिटी ज़्यादा खराब आ जाएगा। 15, 16, 17, 18, 20 मैं तो कभी कभी फुल कर दिया करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा 15 सेकंड का था ना, ये कट कर दिया, मेरा 20 सेकंड का है तो फिर भी यहाँ पर 50 MB भाई, तो आपका 10 मिनट का 8 मिनट का वीडियो होगा उसके हिसाब से 600-700 MB आ जाता है, तो 15-20 पे रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो का क्वालिटी बस बहुत ही मस्ट होगा, लेकिन कम से कम आपको 10 से ऊपर ही रखना है तो क्वालिटी अच्छा ही पाइएगा। तो 12-13-15 आप MB के हिसाब से आप रख लीजिएगा, सिर्फ क्लिक कर देना है और ये डायरेक्ट आपका गैलरी में चला जाएगा, बस वहाँ से आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी दिखा दिया मैंने, और कॉपीराइट फ्री जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हैं।